हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम है अभी फिलहाल अम्बाजी में, अपने पिछला वीडियो देखा ही होगा। तो हम यहाँ पे रुके हैं होटल कृष्णा पैलेस पे। तो काफी अच्छा स्टे रहा हमारा और रूम भी ठीक ठाक पैसे में मिल गया, तो हमने यहाँ पे स्टे कर लिया। आज हम जाने वाले हैं माउंट आबू, यानी कि जो है पहाड़ों की चढ़ाई हमारी रहने वाली है। ऐसे यू करते हम जो है जाने वाले हैं आबू की तरफ। और आबू में क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, हमारे पास आज का ही दिन है, तो जो भी एक्सप्लोर करते हैं उसको हम जो है वीडियो के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर को दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये नहीं है कि यहाँ तक ही जाना है, ऐसे कोई जो है हाड़ मारी नहीं है। नॉर्मली जो है जो भी घूमेंगे वो आपको जो है दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कल प्रसाद लिया था वो ढेर सारा। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने के लिए। बाकी जो है हमारी गाड़ी में CNG भी है और थोड़ा बहुत जो बूट स्पेस भी यहाँ पे बच जाता है, तो इसका जो है सही से इस्तेमाल कर लिया। बाकी जो है एक बार ही वाइपर चलाना पड़ेगा क्योंकि जो है बहुत सारी मिट्टी लग चुकी है। बाकी जो है हमारा स्टे इस वाले होटल में था, देखो कृष्णा पैलेस, और जो है ये रही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कल इसमें हमने खाना खाया था, थोड़ा सा ख़राब एक्सपीरियंस रहा। बाकी जो है ये आ चुका है सर्कल, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो गब्बर की तरफ। देखो यहाँ पे जो भी हम कल के वीडियो में आपने देखा, हम जो है गब्बर जाकर आए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ से सीधे भग लेंगे राजस्थान की बॉर्डर की तरफ, यानी कि जो है आबू की तरफ। देखिए दोस्तों, हमने जो है बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है अभी फिलहाल, और जो है चेकिंग वगैरह चल रही है, जो गाड़ी आ रही है उनकी नॉर्मली पूछताछ होगी। बाकी जो है यहाँ से राजस्थान में सारी मतलब हिंदी लैंग्वेज आ चुकी है। देखो यहाँ पे अभी आबू यहाँ से है, आबू रोड है 16 किलोमीटर और टोटल आबू है यहाँ से 44 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सामने आ चुका है राजस्थान का छपरी चेक पोस्ट। देखो यहाँ पे उस पर आपकी गाड़ी आ रही है। देखो राजस्थान के बॉर्डर का जो चेक पोस्ट है वो आ चुका है। देखो यहाँ पे हमने NH 27 वाला रास्ता लिया है क्योंकि जो है सीधे जाते हैं उस वाली चौकड़ी से, तो सीधा गांव से होके जाना पड़ता सिंगल पट्टी रोड पे। तो यहाँ पे जो मैप ने हमको सजेस्ट किया है वही वाला रोड से हम जा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे मेन रोड आ चुका है और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। देखो एकदम हिल टाइप का रास्ता चालू हो चुका है यहाँ से। देखो अब जो है हम शांति से ड्राइविंग करेंगे, आराम आराम से चलाएंगे गाड़ी को। दोस्तों छोटा सा झरना है यहाँ पे, देखो वाटरफॉल। क्या नजारा है, मस्त एकदम। देखिए बाकी जो है यहाँ पे लोग सनरूफ का भी एंजॉय ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे बाकी जो है यहाँ पे भी मतलब बिल्कुल क्लाउड जो है टच होकर जा रहे हैं। देखो तो काफी ज्यादा हाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे एकदम नजारे खतरनाक है, धुंध टाइप सा है। देखो यहाँ पे और क्लाउड बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्त वेदर हो चुका है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे वेदर मस्त होता चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आबू का मेन गेट आ चुका है, यहाँ से हमको जो है टिकट लेनी पड़ेगी शायद से, जो नगर पालिका है उनकी तरफ से ये शायद से है टिकट वगैरह पर्ची वगैरह, तो कितना लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सारा मैप है, बाकी जो है हमने एंट्री ले लिया है। अभी फिलहाल पैसा फास्टैग से कटा है तो देखना पड़ेगा मैसेज आए तब, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, टावर आ रहा है बट जो है डेटा नहीं चल रहा है। तो देखते हैं अब जो है किधर जाते हैं यहाँ से। यहाँ से सबसे पहले चलेंगे गुरु सीकर।
देखिए दोस्तों, हम गुरु शिखर के बहुत ज्यादा नजदीक है। हमें जो है अभी भी टॉप पे जाना है, बट जो है यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रखा है। देखो तो यहाँ पे जगह है, तो हमने जो है यहाँ पे रोक दी है, तो सामने वाले को आने में दिक्कत ना हो। देखो ऊपर जाने के लिए कुछ पर्ची लेनी पड़ेगी, देखते हैं यहाँ पे। टाटा की अल्ट्रोस जो है नीचे टच हो चुकी है, देखो यहाँ पे। यार बहुत ज्यादा, मतलब साइड देने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखो यार भाई निकल गई। बहुत ज्यादा टॉप पे आ चुके हैं और सामने देखो नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक। देखो इससे कैसे है असली मजा जिंदगी के। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है। देखो यार हम तो जो है गाड़ी एकदम मस्त साइड में पार्किंग करके आ गए, पैदल चलते हैं, जहाँ तक जाना है वहाँ तक जो है जाएंगे चलते चलते, बाकी जो है देखना आगे। बाकी फुल ट्रैफिक जाम है यार, फुल। यहाँ से कहीं पर चलकर आए हैं हम। देखो वहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे, बाकी जो काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लंबा और ट्रैफिक बहुत जाम हो चुका है। तो यार लोग लड़ने की तरफ आ चुके हैं अभी फिलहाल, आपने जो वीडियो देखा उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मकई खा रहे हैं हम, देखिए ये बहुत ज़्यादा भूखा हो चुका है और ये दोनों लंगूर हो चुके हैं। बाकी जो है हम यहाँ से मकई खाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। देखिए ये छोटा बच्चा है मगर बहुत शर्माता है, और इसमें आते खत्म। बाय बाय टाटा। क्या कर रहा है भाई बोलो। हमने खाई है एक प्लेट का 50 रुपया, और यहाँ पे हम मैगी खाने के लिए आए हैं। देखो तो मैगी का, एक मैगी का 60 रुपया, तो चलिए मैगी खाते हैं। थम्सअप का रेट है यहाँ पे एक बोतल का 100 रुपया। देखो 100 रुपीज एक बोतल का, यार बहुत ज़्यादा महंगा है। और जो हाइट भी ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर सामान लाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसी वजह से यार यहाँ पे डबल है। और मकई के प्लेट का 50 और मैगी के 60 और थम्सअप का 100 रुपये। पानी की बोतल, पानी की बोतल शायद से होगा 50 रुपया, पानी की बोतल 30 रुपये से नहीं 50 रुपये। कोई वही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। का है गुरु दत्तात्रेय का मंदिर, यानी कि गुरु शिखर। देखो हम जो है इतने ज़्यादा जो स्ट्रगल करके आए हैं वो सिर्फ जो है यही जगह देखने के लिए आए हैं। देखो ये रहा मेन द्वारा, बाकी चप्पल वगैरह यहाँ पे उतारना है हमको। दोस्तों दत्तात्रेय भगवान के हमने जो है दर्शन कर लिया है, अब हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी रखी है वहाँ पे। अंदर जो फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, तो नियम का उल्लंघन नहीं किया हमने, अंदर वीडियो नहीं शूट किया। एक मिनट मैं निकल रहा हूँ।
बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है दोस्तों। हमने तो जो गाड़ी को सेफ जगह पे लगाया और जो है पैदल गए थे। बाकी जो पीछे कंडीशन देखो, अभी फिलहाल जो है 2 बज चुके हैं, 2:30 बजने वाले हैं, फिर भी जो है कंडीशन वही के वही है यार। तो यार हम जो है वीकेंड छोड़ के आए, फिर भी यार वही कंडीशन है। तो यार बहुत ज्यादा यार बुरा मामला है यहाँ पे, पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि यार लोग ही इतने आ रहे हैं, तो यार गाड़ी को कहाँ रखे। देखे दोस्तों रास्ते की हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम जो है ऐसे जुगाड़बाजी करके गाड़ी को कहीं ना कहीं निकालना आए हैं। अभी यार बहुत ज्यादा खतरनाक कंडीशन है यार, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम है, बहुत ही ज्यादा। देखिए यहाँ पे करीब जो है 5-7 किलोमीटर का लंबा जाम होगा। तो यार क्या है यार, यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। यहाँ पे पार्किंग बढ़ाओ या फिर रोड बड़ा करो या फिर टैक्स ज्यादा ले लो, यही है बढ़िया। तो यार वैसे ये टूरिस्ट के नाम पे तो यार पैसा बहुत ही ज्यादा वसूला जाता है। तो यार ये जो गवर्नमेंट को जरूर से ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि यार देखो जाम देखो सिर्फ देखो, और बहुत सारे लोग तो पैदल आए हैं यहाँ साइड में गाड़ी लगा के। बाकी जो है यहाँ पे भी देख सकते हो कैसी जगह पे मतलब गाड़ी लगी है, किसी ने सोचे भी ना होगी ऐसी ऐसी जगह पे गाड़ी लगी है। बाकी जो है यहाँ पे ऊपर भी जो एकदम क्रिटिकल हालत है, वहाँ ऊपर टॉप पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। देखो हम भी ना जाना कैसे कैसी जगह पे से निकाल रहे हैं, देखो एक सेकंड की गलती हुई तो गाड़ी सीधी नीचे। दोस्तों यहाँ पे वो ही खड्डा है जहाँ पे सुबह में अल्ट्रो गिरी थी, ये वही वाला खड्डा है और वहीं पे ही ट्रैफिक जाम है फिलहाल। तो देखते हैं अपनी गाड़ी कैसे निकलती है। खत्म गया। देखे दोस्तों आपने अभी देखा कि कैसी कंडीशन में हमने गाड़ी निकाली है यार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है यहाँ पे। नीचे गाड़ी टच हुई तो क्या होगा अंजाम यार, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऑयल लीक हो जाएगा पूरा यार। और ऑलरेडी पहले शॉट में मैंने आपको दिखाया जहाँ पे अल्टो टच हो चुकी थी, तो यार सोचो यार भाई को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। आगे से भी टच हुई और पीछे से भी टच हुई यार, तो यार बहुत ज्यादा खराब हालत है यार। अभी फिलहाल हम वहां से आए हैं टॉप से, देखो एकदम टॉप से। बाकी सामने आ रही थार देखो, इसको कोई मतलब नहीं, खड्डो वैसे ही कूदा दो यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आती इतनी ज्यादा। बाकी जो है वहां से आए हैं एकदम टॉप से, देखो देखो एकदम। और ये लड़का है, ये बहुत ज्यादा शर्माता है कैमरे से, बहुत ज्यादा शर्माता है यार, ऐसे ऐसे ही यार उल्टी सीधी ही हरकतें करता रहता है, गजब बेइज्जती है, बहुत ज्यादा डरता है। अगर शादी होगी तेरी तो वीडियो प्रीवेडिंग शूट करवाएगा क्या या नहीं करवाएगा, ऐसे ही स्वागत के दिन भी बहुत शर्माएगा। अरे कहना क्या चाहते हो। बहुत सारा ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं नक्की लेक पे, देखो यहाँ पे नक्की लेक है पीछे के मामले यार, यार की यार वाट लग गई यार, सच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक यार, इतना ज्यादा ट्रैफिक, सोचा कि कल आते तो यार हालत खराब हो जाती। देखिए दोस्तों ये नक्की लेक का नजारा, बाकी जो है बोट वोट चल रही है यहाँ पे देखो, बाकी जो थोड़ा बहुत क्राउड उधर भी है देखो, उधर बादलों की वजह से फोकस नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत क्राउड इधर है, थोड़ा बहुत जो है बिल्कुल सामने। बाकी जो है पार्किंग की यार बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग करने के लिए गोल गोल 3-4 बार घूमे तब गाड़ी पार्किंग हो पाएगी। हमारे साइंटिस्ट इतने ज्यादा खतरनाक है कि बहुत बड़ी पहली फुर्सत में निकल शोध कर दिए। यहाँ पे एक खतरनाक चीज आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए नैनो चल रही है यहाँ पे देखो, देखो नैनो चल रही है यहाँ पे, और ये रही दूसरी देखो, और यह बतख भी दौड़ता है देखो यार पानी में।
से रिटर्न आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे लगता है सामने जो हादसा हो चुका है। आज यार दिन थोड़ा खराब है यार, बहुत सारे इंसिडेंट्स आज आपको देखने मिले होंगे, बहुत सारा यार कुछ ना कुछ भसड़ी हो रही है। देखो यार यहाँ पे ये हादसा हो गया, ब्रेक डाउन हो चुकी है गाड़ी, गाड़ी यार टकरा गई यार स्विफ्ट, आपने देखा यार वीडियो में इसके साथ ठुकी वो मालूम नहीं है। यहाँ रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और शायद से यहाँ पे नहीं, ये वाली गाड़ी के साथ नहीं ठुकी है, दूसरी को ना जाने कहाँ यार ये डिवाइडर के साथ टकराई या फिर कहाँ मालूम नहीं है, क्योंकि यहाँ रुकेंगे तो बहुत ट्रैफिक जाम हो जाएगा पीछे। सारा ट्रैफिक को यार झेलने के बाद आज जो है अंबाजी आ चुके हैं और अंबे माँ के दर्शन भी कर लिए फिर से, तो सोचा कि आज जो है मंडे है तो यार भीड़ कम मिलेगी, तो यार अंदर गए तो फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो दर्शन वगैरह कर लिए, गाड़ी को पार्किंग से हटा लिया और सोचते हैं कल जहाँ पे स्टे किया था वहीं पर हम स्टे करेंगे। बाकी जो हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी के लिए परोठा और आलू प्याज की सब्जी और रोटी, तो यार आज के वीडियो में कुछ खास रहा नहीं यार, ट्रैफिक ही मिला है, ओनली ट्रैफिक, ट्रैफिक के सिवा कुछ नहीं है, तो यार ट्रैफिक ही दिखाएंगे आपको यार, क्या दूसरा कुछ नहीं मिला यार, तो वैसे मज़ा आया यार काफ़ी ज़्यादा, तो चलिए खाना खा के मिलते हैं आप। तो खाना खा के हम आ चुके हैं यहाँ पे, एकदम लेट चुके हैं क्योंकि आज जो है यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और आज सिर्फ हमको मिला ट्रैफिक, और यहाँ पे पीछे देखो तीनों भाई एक साथ जो है सांप बन के, सांप क्योंकि आज मैंने सबको सांप बना दिया है, क्योंकि यार गाड़ी ऐसे भगा मज़ा आ गया सच में। बाकी जो है तीनों ने खाना ठूस लिया है, और जो हम रूम पर आ चुके हैं, होटल ले लिया हमने, रूम ले लिया है, तो कल लिया था वही सेम लिया है 4 बेड वाला 1200 रुपये में थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट लेने की कोशिश की बट जो नहीं माने यार, तो 1200 पूरा देना पड़ा। तो बाकी जो है कल जैसा रूम था वैसा ही है, देखो एकदम प्रीमियम, देखो अच्छी क्वालिटी का है देखो एकदम, और ये बच्चा अभी भी शर्मा रहा है यार, घर वाले से बातें करके कौन शर्माता है यार, बच्चा अभी घर से कॉल आया था, कहाँ है अभी तक, 2 दिन हो गए घर नहीं आया, तो यार बेचारा शर्मा गया यार, तो घर वालों से यार मतलब माताजी पिताजी से बातें करते हुए कौन शर्माता है यार, यार क्या करे यार इस बच्चे का, तो यार थक गए बहुत ज़्यादा। बाकी जो है रूम तो ऑलरेडी कल मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही था, बाथरूम एकदम क्लीन है, भैया यहाँ पे टॉवल लेकर आए हैं एकदम बढ़िया, जो हम कल नहाएंगे सुबह में और निकलेंगे घर की तरफ। बाकी है यहाँ पे टीवी चालू हो रहा है, देखो आज के ब्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पे जरूर से फॉलो कर लेना, तो देखते हैं कल रिटर्न का ब्लॉग बनाया या नहीं बनाया वो तो जब कल ही पता चलेगा, मूड पे डिपेंड करेगा, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये लोग ना मेडिसिन निकल रहे हैं क्योंकि यार कल रात को सीन हो गया था, इसको आ गया तेज बुखार, अंबे माँ का जो मंदिर की तरफ से जो सिविल है वहाँ पे हम चले गए, तो यार रात को मेडिसिन वगैरह लिया, उसके बाद जो उसको जो है अच्छा लगा, तो यार यही है कि रात के टाइम में यार यहाँ पे जो भी आसपास के जो क्लिनिक थे वो बंद थे, सारी जगह पे हमने गोल गोल घूम लिया, बट जो उसके बाद हमको सिविल जाना पड़ा, तो वह तो अच्छा था सिविल चालू था। ये क्या निकल रहा है यार, और ये देखो मासूम बच्चा बैग अपने जैसे स्कूल में पढ़ाई करने जाता है ना वैसे ही, देखो शर्मा गया फिर से, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये शर्माता है बहुत ज्यादा, बहुत शर्मीला है यार, इसकी शादी कौन करवाएगा ये यार, ये भी प्रॉब्लम है, ये बाथरूम चेकअप कर रहा है देखो
कल रात को ये नल खुल रहा था बाथरूम का। आज क्या खोलने का प्लान है? आज शावर के खोल कर ले जाना है घर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।